हेलो गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। गाइस, आप सभी मेरे टाइटल और थंबनेल को देख के समझ चुके होंगे इस ब्लॉग पे आप सभी को क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं डॉन बॉस्को कॉलेज की शेयर करवाऊंगा आप सभी को, उसके बाद कुछ बायो जानने की कोशिश करूंगा, उसके बाद कुछ सीनियर लोग से वहाँ मीट करेंगे और पूछेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके आप ऑनर कर सकते हैं, उसके बाद कौन कौन सा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है डॉन बॉस्को कॉलेज के लिए, कौन कौन सा पीजी या हॉस्टल बेटर रहेगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वोंगचो बॉयज हॉस्टल सबसे बेटर रहेगा, जस्ट डॉन बॉस्को कॉलेज का ही अपोजिट साइड पे है। आपको आपको वोंगचो बॉयज हॉस्टल में रहने से आपको व्हीकल का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आप आराम से पैदल चलकर जा सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, यह अवेलेबल है। और वोंगचो बॉयज हॉस्टल का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। सबसे पहले मैं अपने वोंगचो बॉयज हॉस्टल को दिखाऊंगा, वोंगचो बॉयज हॉस्टल दिखता कैसे है, रहता कैसे है। गाइस, ये जितने भी देख रहे हैं ये रूम लुक पूरा बॉयज हॉस्टल है, बहुत लंबा है, वो फीचे तक है और आप देख सकते हैं ये बॉयज हॉस्टल है। और इसके बाद ये है गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये नीचे फ्लोर जो है बॉयज हॉस्टल है, उसके बाद ये ऊपर फ्लोर से लेकर पूरा गर्ल्स का है। गर्ल्स लुक नीचे नहीं आता है, गर्ल्स लुक का अलग से ही ऊपर में किचन वगैरह और ऊपर से ही बनाया गया है रास्ता। और हमारा किचन वो है हमारा किचन, हमारा नहीं, हम लोगों का किचन। गाइस, आप सभी को मैंने मेरे हॉस्टल का शेयर करवा दिया, तो आप मिलते हैं सीधा डॉन बॉस्को कॉलेज पर। वेलकम टू डॉन बॉस्को कॉलेज। I've never got an opportunity to play in my school level, but since I came here in Don Bosco College, I've got an opportunity to play in the college team. And I'm glad that I'm here studying in Don Bosco College. Guys, आप देख सकते हैं ये है गेट, तो यहाँ से स्टार्ट होता है डॉन बॉस्को कॉलेज। ये है जो लेफ्ट साइड में है वो है मार्तो नाबम मार्तो, एक है समथिंग। तो गाइस, ये है कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है। और आपको यहाँ पे एनसीसी करने को मिल जाएगा, उसके बाद एनएसएस भी करने को मिल जाएंगे। मार्तो नाबम समथिंग व्हाट, कुछ तो बता दे यहाँ का भाइयो, मार तो प्लीज कुछ बताओ, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दिया गया है। यहाँ पे आपको एनसीसी मिलेगा, एनएसएस मिलेगा और यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है, बीकॉम, बीए एंड बीएसडब्ल्यू, जहाँ में आप परस्यू कर सकते हैं, जिसमें आप पढ़ाई करने मान रहे हो। यहाँ पे साइंस का एवेलेबल नहीं है, बट मे बी कमिंग सून, बाद में आएगा साइंस का भी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो ऑलरेडी है। वाओ, वेरी नाइस। ये बार मैंने फर्स्ट ईयर यहाँ ज्वाइन किया है, इसलिए ये इनका बारे में इतना बायो आइडिया नहीं है, फिर भी मेरा दोस्त ने आप सभी को पूरा बता दिया यहाँ क्या क्या होता है। आई थिंक वो है कैंटीन, वो उसके अंदर में भी लाइब्रेरी भी है बोल के सुना गया था, और उसके अंदर में कैंटीन भी है और स्टोर रूम भी है। तो ये है हॉस्टल, तो ये हॉस्टल हो सकता है आई थिंक। तो यहाँ से लेकर क्लास स्टार्ट होता है वो पीछे तक। तो ये है बास्केटबॉल की ग्राउंड और बैडमिंटन की ग्राउंड, तो अब मैं आप सभी को बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेल के दिखाऊँगा।
ये रही हमारा कॉलेज का कंपाउंड, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। हाय गाइस, आप सभी को मैंने डॉन बॉस्को कॉलेज की शेयर करवा दिया है, लेकिन इतना अच्छा से नहीं दिखा पाया इस ब्लॉग पे, क्योंकि मैं इस बार यह फर्स्ट ईयर यह ज्वाइन किया हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कौन कौन से क्लासरूम है, कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्लासरूम है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। और काफ़ी में ये कॉलेज बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कंफ्यूज में रह गया था और क्लासरूम को अच्छा से नहीं दिखा पाया, और कुछ कुछ को दिखाया और कुछ कुछ कैंटीन को दिखा पाया, और पूरा डिटेल ही अच्छा से आप सभी को नहीं दिखा पाया। आई होप आप सभी वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो पे कुछ कमियाँ है तो कमेंट सेक्शन पे जाके प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये ब्लॉग इस पर ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं आप सभी को नए ब्लॉग पर।